रोशनी और खुशियों के हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार दीपावली का आगमन हो चुका है। धनतेरस से इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद छोटी दीपावली और 12 नवंबर को पूरा देश बड़ी खुशियों से दिए की रोशनी के साथ दीपावली का पर्व मना रहा है। धनलक्ष्मी का त्योहार दीपावली में शाम को क्या करना चाहिए, पूजन कैसे होना चाहिए, ये तो सब जानते हैं, सब बताते हैं, लेकिन पूरे दिन और सुबह सवेरे क्या कुछ करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, आपके घर में धन वर्षा होगी, सुख समृद्धि बनी रहेगी, इसके बारे में आपको वीडियो में बताते हैं। आपको बता दें, माँ लक्ष्मी के साथ साथ गणेश और कुबेर का भी दीपावली में एक विशिष्ट योगदान होता है, एक महत्व होता है, क्योंकि कुबेर के प्रसन्न करने से, कुबेर के प्रसन्न होने से आपके जो धन है, आपकी जो संपत्ति है, उसमें वृद्धि होती है, आपके घर सुख समृद्धि के साथ धन की मजबूत स्थिति होती है। बता दें, इस पर ज्योतिष आचार्य कहते हैं कि लक्ष्मी पूजा के दिन, मतलब कि दीपावली के दिन संध्या में लक्ष्मी गणेश और कुबेर की पूजा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन ऐसे में कुछ विधियां हैं, कुछ काम हैं, जिसे लेकर आप दीपावली को खास बना सकते हैं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके लिए सुबह सवेरे आपको बेहद ही अच्छे तरीके से अपना घर साफ करना चाहिए, कहीं भी कचरा जमा ना हो। इसके बाद फर्श को अच्छे से पोंछकर थोड़ा गंगा जल पूरे घर में छिड़क दें, इससे सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है और माँ लक्ष्मी के आगमन की पूरी स्थिति बन जाती है। इसके बाद आप स्नान आदि करें और स्नान के बाद सुबह के समय में ही तुलसी पूजन करके तुलसी के नजदीक एक दीप प्रज्वलित कर दें, इससे आपको फायदा होगा, क्योंकि भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी हैं, जो कि लक्ष्मी स्वरूपा हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि आप माता लक्ष्मी, कुबेर और गणेश भगवान को प्रसन्न करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं, जिसकी सुंदरता देखकर महालक्ष्मी भी आपके द्वार खींची चली आएंगी। मिथिलांचल में चावल को पीसकर पुरानी महिलाएं अपने द्वार पर अर्पण बनाती थी, जिसे आज के आधुनिक समय में रंगोली कहते हैं। जाहिर तौर पर दीपावली के दिन घर के साफ रहने का, स्वच्छता का विशेष महत्व है। वो रंगोली बनाकर आप घर के द्वार को खूबसूरत बनाएं या फिर पोंछकर झाड़कर पूरे घर को चमका दें। माँ लक्ष्मी स्वच्छता में वास करती है, कुबेर स्वच्छता में संपत्ति की कमी नहीं होने देते, धन धान्य की वर्षा निश्चित रूप से होगी। अगर आपके द्वार पर आने में माँ लक्ष्मी को किसी तरह की रोकथाम नहीं होगी, किसी तरह की गंदगी या किसी तरह के दूसरे अवरोध उत्पन्न नहीं होंगे, इसीलिए ज्योतिषाचार्य सुझाते हैं कि आप अपने घर को बेहद ही अच्छे से साफ करके, पोछा झाड़ू करके गंगा जल का छिड़काव कर दें। न केवल इससे सकारात्मक ऊर्जा घर में वास करती है, इसके अलावा आपकी समृद्धि के रास्ते भी खुल जाते हैं।